एनर्जी केंद्र सरकार जो लेकर आई है उनसे किसान नाखुश है और देश के राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। इस बात की जानकारी लेने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विदिशा कांग्रेस से विधायक श्री शशांक भार्गव जी। हम उनसे जानेंगे कि किसान इस कानून के विरोध में क्यों हैं और उनको क्या परेशानी इस कानून से लेकर। सरकार तीन काले कानून कृषि उपार्जन को लेकर आई है। सबसे पहली बात तो उस कानून में कहीं भी MSP जारी रहेगा इस बात का वायदा नहीं किया। दूसरी बात, अभी हमारे हिंदुस्तान में एसेंशियल कम्योडिटी एक्ट इसलिए लागू किया था हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति होल्डिंग ज़्यादा ना कर पाए, सीमा से अधिक संग्रहण नहीं किया जाए, लेकिन उसे समाप्त कर दिया इसमें। और अभी आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि पंजाब में 60-60 एकड़ में साइलों का निर्माण कर रहे हैं अडानी जी। पूरा के पूरा अनाज वो खरीद के अपने पास रखेंगे तो उपभोक्ता भी को भी वो मनमाने रेट पर बेचेंगे, इससे उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा। MSP अगर नहीं आएगी तो मनमाने तरीके से वो माल खरीद कर अपने पास जमा करेंगे और उसे मनमाने तरीके से बेचेंगे। तीसरी बात, इसमें पूरे हिंदुस्तान में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर फार्मूला लागू कर दिया तो हम लोग अंग्रेज़ों की जिस तरह से ग़ुलाम थे उस तरह से हो जाएंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1943 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय अंग्रेज़ों की सरकार हिंदुस्तान पर राज करती थी। हिंदुस्तान में भरपूर अनाज पैदा हुआ था लेकिन उन्होंने ऐसा ही एक्ट लगाकर पूरा गेहूं विदेशों में भेज दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध की सेनाओं को खाने के लिए भेज दिया था और 20 लाख लोग यहाँ पर भूखे मरे थे। ये ऑन पेपर रिकॉर्ड है। सबसे पहले चंपारण में महात्मा गांधी ने आंदोलन किया तो वो भी यही कानून लागू करने जा रही थी केंद्र सरकार, अपना अंग्रेज़ों की सरकार, उनके खिलाफ किया। जब वो लोग नहीं माने तो उन्होंने पूर्व प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम प्रधान देश के राष्ट्रपति हुए, उनको वकील बना के बंगाल में उन कोर्ट में भेजा किसानों की रक्षा करने के लिए, और कोर्ट से वो जीते। इसके बाद वो कानून समाप्त हुआ। ये वैसा ही काला कानून है। मोदी जी कॉरपोरेट जगत को एक तरफा लाभ पहुंचाने के लिए पूरी जनता के साथ जी खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से मोदी जी को से आग्रह है कि सोती हुई नींद में से जागें और इन तीनों काले कानूनों को वापस लें। देखा जा रहा है कि भाजपा किसानों को साधने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन विधानसभा स्तर पर कर रही है। देखो, आप ये अफवाहों की पार्टी है, भावनात्मक रूप से छलने की पार्टी है, भावनात्मक रूप से लोगों को छल के और आज सत्ता में बैठी है। इसलिए इनके आंदोलनों का असर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा जो गलत समझा रहे हैं, लेकिन आज हमारा किसान भोला भाला है, आम जनता भोली भाली है, ना समझी। मैं कल मैं एक वीडियो देख रहा था, सॉरी न्यूज़ पर देख रहा था आपके चैनल पे, एक किसान कह रहा था कि मोदी जी ने कानून बनाया वो तो अच्छा ही होगा, वो तो अच्छा ही है, किसानों को लाभ होगा। लेकिन असली बात जो बताने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम और जो सुनने वाले हैं उनको भी नहीं मालूम। इसलिए जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनसे आप पूछो इस बात को।